तो आज बहुत ही जबरदस्त चीज हमने गाड़ी नेक्सॉन के लिए खरीदा है, एच आई डी क्रिस्टलाई एच आई डी है, 2021 2021 यूरो 4 लिमिटेड एडिशन है। 6000 केल्विन की है ये और 55 वॉट की है, और एच सेवन टाइप आता है अपना जो नेक्सॉन के अंदर आता है। ऑटोमोटिव हेडलैम्प प्लाज्मा एलईडी एच आई डी है वैसे ये, 12 महीने की वारंटी, 1 साल की वारंटी मिलती है, वो भी रिप्लेसमेंट वारंटी मिलती है हमको। अब खोलते हैं इसको, तो सबसे पहले खोलते हैं तो इसके अंदर कुछ बैग टाइप का मिलता है हमको इस तरीके से, और अब इसके ऊपर लिखा है क्रिस्टल आई, क्रिस्टल आई खुल गया। तो इसके ऊपर हमको सबसे पहले बुकलेट मिलती है, नोटिस इन ऑपरेशन क्या है, एडवांटेजेस वही जो बाहर लिखे हुए हैं, शेप ओवर हाइट, डेंसिटी, ब्राइटनेस वगैरह, अट्रैक्टिव वगैरह जो चीज़ लिखी हुई थी, ये कुछ इस तरीके से इंस्टॉलेशन का दिया हुआ है। बाद में देखते हैं इसको, एच आई डी है ही। और इसके अंदर है हमारे बल्ब्स एच आई डीज, और एच आई डी पूरी प्रोटेक्टेड आती हैं कुछ इस तरीके से। अंदर एच आई डी दिख रही होगी आपको, ये एक, और ये नंबर दो विद ऑल द कनेक्टर्स, ये पूरे कनेक्टर हो गए। अब इसके अंदर जो हमको मिलेगा वो है, ये थोड़ा हैवी मिलेगा आपको क्योंकि इसके अंदर हमें मिलता है ब्लास्ट, टोटल 2 केजी के अराउंड का ये पूरा बॉक्स है। ये हमारे ब्लास्ट निकलने वाले हैं, हमारे नहीं निकलने वाले, एच आई डी के ब्लास्ट निकलने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा ब्लास्ट नंबर 1 छुपा हुआ है इसके अंदर, खोल के दिखाते हैं आपको। क्रिस्टल आई पूरी ब्रांडिंग की हुई है, 2021 2021 की है, तो वो सेम है, अलग नहीं है 2020 की है, बिल्कुल एडवांस्ड है क्रिस्टल आई की, जो सबसे जो अभी तक लेटेस्ट चाहिए वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से वाली है। पीछे इसके अंदर हमको स्पेक्स दिए हुए हैं, कितने वोल्टेज, 9 to 16 वोल्टेज के ऊपर काम करती है, जो नॉर्मल 13.2 दिया हुआ है, एल लीनियर जो दिया हुआ है, जो करंट है हमारा 4.2 नॉर्मली जो दिया हुआ है, और 8 एम्पियर मैक्सिमम ये होल्ड कर सकता है। ये इसकी है, एच आई डी की नहीं है, ऑपरेशन करेगा 40 डिग्री टू 105 डिग्री तक ही करेगा, 105 डिग्री ज़्यादा नहीं, 40 डिग्री के से इतना ऊपर चला जाएगा, -40 डिग्री हो तो बहुत ठंड से बहुत गर्मी तक काम करेगा। और स्टार्टिंग जो वोल्टेज इसको चाहिए वो चाहिए 23 किलो वोल्ट मैक्सिमम, तो ये इसका आउटपुट है, इसकी इनपुट नहीं, इसका आउटपुट है। यहाँ पे दिया हुआ EAA फास्ट ब्राइट 55 वॉट एच आई डी ब्लास्ट, तो फास्ट ब्राइट है तो मतलब बहुत जल्दी चालू हो जाएगी ये। तो इसके साथ में आगे हमको मिलता है कैपेसिटर मिलता है, इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ वार्निंग वगैरह लिखी रहती है ऑपरेशन वगैरह की, और बाकी कनेक्टर वगैरह दिए हैं। तो ये हमने अभी नेक्सॉन जो BS6 फेसलिफ्ट मॉडल है इसके लो बीम के लिए मंगाया, प्रोजेक्टर्स के लिए इंस्टॉल करने के लिए। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ये हमको इनपुट के लिए दिया हुआ है ब्लास्ट के, ये ब्लास्ट का इनपुट है जो ब्रेडेड है, अच्छे बहुत अच्छी केबल दी हुई है। साथ में जो इसका आउटपुट जाएगा ब्लास्ट का लाइट के अंदर एच आई डी के अंदर, वो ये वाला है, ये भी ब्रेडेड है, बढ़िया अच्छे तरीके से दिया है, और साथ में वाटर प्रूफ भी दिया हुआ है, देखो रबड़ दिया पूरा। अब इसको खोल के देखते हैं, इसके ऊपर हाथ वगैरह टच ना करें ताकि इसकी वो ख़राब ना हो, इसके ऊपर हाथ वगैरह लग जाएंगे तो फिर वो चीज़ दिखती है, कुछ इस तरीके से एच आई डी होती है, जिसमें बीच से ये जो है ग्लो करता है, ये जो बीच में दिया हुआ छोटा सा स्पार्क से ग्लो करता है एच आई डी होने की वजह से। तो अब करते हैं इसका इंस्टॉलेशन और साथ में दिखाते हैं आपको बिफोर आफ्टर की फोटोज़ एंड वीडियोज़। तो इस कैप के अंदर हमने 25 mm का छेद करवा लिया, वीडियो देखो अभी आप। और अब इसके ऊपर हमने ग्लूगन से उसको प्रोटेक्शन दे दिया है कि वाटर और डस्ट और बिल्कुल वैक्यूम बन, जैसे पहले बना आता है वैसा वैसा बन जाए, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे दिया हमने इस ग्लूगन से, और ये प्रॉपरली फिट हो गया है, देखो वायर्स वगैरह, और ये अंदर का एच आई डी और बाहर लग जाएगा इसमें ब्लास्ट। हमारा काम हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा है, अब हमको जाके वहाँ पे इंस्टॉल करना है, उससे पहले जो कनेक्टर जोड़ लेते हैं, ये ब्लास्ट है और ये आपको दिखाया था मैंने, तो इसको पहले भी क्लिप करके लॉक लगाना है प्रॉपरली। इसको ध्यान रखना आपको ढंग से लगना चाहिए लॉक, जैसे अभी यहाँ पे इस तरीके से प्रॉपरली बंद होना चाहिए, तो इधर वाला लॉक है ये प्रॉपरली टाइट करना है। इसके बाद में ये वाला बच्चा, तो इसको भी कर ले, तो सारे कनेक्शन हो चुके हैं, कुछ नहीं करना, वहाँ पे जाके हमको कैप लगानी है, इसको पहले अंदर लगाना है, ढंग से टाइट करना है,
जो क्लिप आती है वो से लगा के टाइट कर देना है। जो पुराने बल्ब का कनेक्टर निकाला था हमने वहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे और बस को पैक कर देंगे, और इसको बाहर हम जो ब्लास्ट है इसको बाहर हम कुछ ना कुछ करके टाइट कर देंगे जिप टाई वगैरह के साथ में। तो अभी हमने इसके अंदर फिक्स कर दिए, जैसे निकाली थी वैसे फिक्स करनी है, क्लिप वगैरह लगा के प्रॉपरली फिक्स कर दिए। अब बचे हैं कनेक्शन, तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव दिया ध्यान से आपको देखना है कि पॉजिटिव कौन सा है। जो आपको पता है ग्रीन वाला पॉजिटिव है और उसके अंदर रेड वाला पॉजिटिव है, तो ये आपको ध्यान से देख के लगाना है। इसमें ऐसे नहीं करना कि आपने टेढ़ा मेढ़ा लगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के साथ में लगा दिया, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ में लगा दिया, इसका ध्यान ज़रूर रखें। जो रेड है वो पॉजिटिव है, रेड है ही नहीं इसमें, वाइट वाला जो पॉजिटिव है और जो ब्लैक वाला है वो नेगेटिव है, और ग्रीन वहाँ पे पॉजिटिव और ब्लैक नेगेटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। ये हमने इसके कर दी है पैकिंग, और देख सकते हो कवर भी हमने लगा दिया प्रॉपरली। अब उसमें ब्लास्ट कनेक्शन करना है, वो करते हैं अभी। ये हो गया हमारा ब्लास्ट का आउटपुट प्रॉपरली कनेक्टेड। एचआईडी वगैरह कंप्लीट हो चुका है, काम उसका इंस्टॉल हो चुकी है प्रॉपरली। आपने देखा होगा मैंने किस तरीके से उसको बढ़िया ढंग से कर दिया है पैकिंग वगैरह। और अब क्या है, मैं खाली जगह पे आ गया हूँ और मैं चला के लेके आऊँ, तो गाड़ी का जो लाइट का मैं आपको अपनी तरफ से बताता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है और बहुत ही अलग ही, पुरानी वाली से आप देखेंगे तो बहुत डिफरेंस आ रहा है। और बताया तो आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ लो बीम प्रोजेक्टर वाली जो है वही क्रिस्टलाई 55 वॉट एचआईडी 6000 केल्विन वाली से रिप्लेस किया है। बाकी जितने भी मेरे सब स्टॉक हैं फॉग लैम्प आफ्टर मार्केट है, पर वो येलो ही है, और जो हाई बीम है वो पहले की जो लगी हुई वो की वही है, फिलिप्स के जो बल्ब लगे हुए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, तो पहले ये तो है देख लो अभी आप बाहर, ये तो होगी DRLs, और DRL के बाद में ये हो गया मेरे फॉग लैम्प, और फॉग लैम्प में ये लो बीम है, क्विक स्टार्ट है, हो गया स्टार्ट इतनी देर में, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, और रिस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त है। आप देखोगे जाके चला के जब मैंने मतलब यूज़ की इसको तो बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आ गया। अब मैं हाई बीम कर रहा हूँ एक बार, ये हाई बीम है, ये हाई बीम एडजस्टेड है, एडजस्ट करने होने के बाद में आगे गया, वरना ये बीच में पड़ता, तो ये बहुत दूर तक जा रही है और पूरा वाइट कर रही है, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ गया। मैं चला के गाड़ी अलग ही पूरा, मतलब ऑफ रोडिंग वगैरह कर रहे हो तो बहुत सही से कर रही है, मैंने 4-5 किलोमीटर चलाया इस गाड़ी को, तो बिल्कुल मस्त मज़ा आ गया। तो इसमें हमने कैनवास वगैरह नहीं लगाया, जो का जो किट था पूरा वही लगाया है। हमको पहले कन्फ्यूजन था कि कैनवास की ज़रूरत है क्या, कोई वीडियो वगैरह भी कोई यूट्यूब पे नहीं मिला, कहीं पे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली किसी से भी, तो अभी हमने कोई कैनवास इंस्टॉल नहीं किया। अगर कोई फ्यूचर में जरूरत पड़ती है मैं आपको इसका अपडेट दे दूंगा। बाकी वापस सिखाता हूँ आपको एक बार, अभी है DRL, फॉग लैम्प, योगी लो बीम और योगी हाई बीम। एक बार बाहर से भी देख लो कैसा देखना है। तो अभी ये जो है अभी DRL ऑन है, सिर्फ एडजस्ट कर देता हूँ लाइट थोड़ी, ये DRL ऑन है, ये हो गए। DRL थोड़ी सी डिम हो जाती है जैसे फॉग लैम्प ऑन करते हो, तो फॉग लैम्प ऑन हो गए। और ये है प्रोजेक्टर HID, दिखने में जीप कंपास का लुक आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई DRL जो है वो DRL जो है पूरी की पूरी लग रही है, पर वो DRL पूरी है नहीं, सिर्फ उतनी है। रिस्पॉन्स देखो आप, दिखने में पूरा लंबा आता है। अब थ्रो देखो, अभी फुल बीम ऑन हो गई है, ये लो बीम फुल बीम का थ्रो देखो, आपको पूरी लाइट जाती हुई दिख रही होगी यहाँ से अलग ही। और ये यहाँ से देखो फॉग लैम्प का जो आपको दिख रहा होगा, फॉग लैम्प यहीं से शुरू है, पर जो लो बीम है वो यहाँ से शुरू है और कहाँ तक जा रही है, आगे तक जा रही है, और ये जो हो गए हमारे फॉग लैम्प हो गए, तो अलग ही दिख रहा है। हाई बीम में जो जो लो बीम प्रोजेक्टर्स हैं वाइट कलर के, अलग ही देखो पूरा दिख रहा है अलग से। मैं आपको थोड़ा और दूर जाके दिखाता हूँ कि आंखों में गिरता है कि नहीं गिरता, क्या रहता है इसका बताता हूँ आपको। तो अभी ये देखो प्रोजेक्टर का फ़ायदा, अभी ये यहाँ पे गिर रहा है, आपको फॉग लैम्प इसमें आंखों में चुभ रहे होंगे, पर प्रोजेक्टर जो लगी प्रोजेक्टर में लो बीम लगा हुआ है वो बिल्कुल भी आंखों पे नहीं चुभेगा। ये प्रोजेक्टर होने की वजह से होता क्या है, बिल्कुल जो बीम गिरती है बिल्कुल नीचे गिरती है, आदमी की आंखों में भी नहीं गिर चुभती बिल्कुल भी, और बराबर बीम गिरती है। और बिल्कुल देखो आप मेरे ऊपर देख सकते हो, जो ये वेस्ट वेस्ट पे है, कितना डिस्टेंस पे आ चुके फिर भी वेस्ट पे गिर रही है, वेस्ट ऊपर बिल्कुल भी नहीं जा रही है लाइट। अब थोड़ा सा और दूर जाएंगे तो देखते हैं आंखों में गिरती है क्या। तो अभी देखो इसको अगर हम बैठते हैं, बैठ के देखते हैं, तो यहाँ पर आके ये देखो इस जगह पे आके ग्लेयर आना शुरू होता है लो बीम का प्रोजेक्टर्स का, वरना नहीं आता। ये प्रोजेक्टर का बेनिफिट है, थोड़ा और पीछे जाके देखते हैं।
अभी भी देखोगे तो लो बीम का होने की वजह से ये यहीं तक ही है, इससे ऊपर तक नहीं गया, अभी भी यहीं तक ही आया हुआ। देखो इस जगह तक यहाँ तक आ रहा होगा हल्का हल्का, पर ऊपर तक बिल्कुल भी नहीं आ पा रहा है, मुँह तक बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो ये बेनिफिट मिल जाता है हमको प्रोजेक्टर लाइट में सोने का। तो मैंने HID सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टर में इसलिए लगवाई है। देखो अभी पूरा आगे तक जाना है, जाने को पूरा आगे तक जा रहा है, पर इंसान के ऊपर मुँह तक नहीं, मुँह तक नहीं गिरता और लीगल भी रहता है क्योंकि आँखों में नहीं गिरती तो वो चीज़ सही रहती है। और नहीं लगवाना चाहिए हाई बीम की, अगर अंदर लगवाते हो तो भी उसका ध्यान रखना चाहिए या यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये था प्रोजेक्टर्स में HID का अपग्रेड टाटा नेक्सॉन BS6 फेसलिफ्ट के अंदर। तो ये है इसका नाइट में रिस्पॉन्स गली के अंदर। आप देखो पहले से अगर बात करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, पहले से इसका 70% से भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ गया है। पहले बहुत मालूम पड़ता था है क्या चीज़, थोड़ी सी स्पीड बढ़ने पे अब बहुत क्लियर विजिबल हो रही है, वाइट लाइट होने की वजह से और मज़ा आ रहा है। प्रोजेक्टर जैसे बीम आप देख रहे हो बराबर बढ़ रही पूरी हर जगह पे। और जिसका हाई बीम आपको मैं दिखाता हूँ, अभी ये खाली रोड ही है, अभी लो बीम पे देखो कितना सही आउटपुट आ रहा है, बिल्कुल मज़ा आ रहा है देखने में भी, चलाने में मज़ा आ रहा है। लो बीम अभी भी देखो येलो है तो इतनी हमको ज़्यादा विजिबल नहीं देती, विजिबिलिटी नहीं दे रही, पर लो बीम में बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है आप देखो। वाइलेट है तो जबरदस्त दिखती है आगे से। और तो गाड़ी का बाहर से लुक एनहांसमेंट हो ही गया है, साथ ही में चलाने में बड़ा मजा आने लग गया अब गाड़ी को। रात में चलाने में मजा आने लग गया। तो ये सब था इस वीडियो के अंदर। हमको हमने यूट्यूब पे देखा था जब हमको इंस्टॉल करनी थी ये चीज़, तो यूट्यूब पे हम हमको कोई भी वीडियो नहीं मिला था, इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया आप सभी के लिए कि हम, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम हर चीज़ करके देखी, कोई कुछ छोटी मोटी गलतियाँ भी की, तो सोचा आप भी गलती करो तो आप इस वीडियो को देख के आप पता कर सकते हो कैसे इंस्टॉलेशन वगैरह कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आपको अगर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको क्वेश्चन वगैरह हों इसके रिगार्डिंग कैसे इंस्टॉलेशन क्या करना है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे RCPC Rides पे जाके। थैंक यू। ओ कहाँ गया ये रहा, बैटरी सीधे ज़्यादा दिखे, लोगों ही नहीं दिखा मेरे को। अब फॉगलेम देख, चार पांच LED लग रही है येलो येलो वाली है ना।